दोस्तों, दालचीनी की इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज हम जो जानकारी देंगे उससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आप खाते हैं दालचीनी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर पीते हैं इसे गर्म पानी में डालकर, तो ये वीडियो जल्दी देखे नहीं तो बाद में पछताओगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे दुर्लभ पौधे और मसाले के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि मानव के लिए किसी अमृत से कम नहीं, हम सब मानव के लिए किसी अमृत से कम नहीं। एलोपैथिक दवाइयों का इसे बाप माना जाता है। सभी प्रकार की यह बीमारी को ठीक करने में समर्थवान है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को घर का मसाला कहे जाने वाली दालचीनी के बारे में बताऊंगा। जो दालचीनी है, हम इसका सबसे ज्यादा प्रयोग मसाले के रूप में करते हैं। सभी के घर में प्राय मसाले ग्रुप में दालचीनी का प्रयोग होता ही है। एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है उन्हें जरूर पता होगा, बवासीर की बीमारी ठीक करने के लिए मैंने दालचीनी के कई प्रयोग बताए हैं। बहुत सारे लोगों के, जैसे कि जॉइंट में पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उनके लिए भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि किस प्रकार दालचीनी प्रभावी होती है। भयानक से भयानक जो सिर का दर्द होता है उसे भी ठीक करने में दालचीनी बहुत ही ज्यादा प्रभावी मानी गई है। इसके साथ दोस्तों, जैसे झड़ रहे बाल हैं उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए भी बहुत ही स्थानों पर दालचीनी कारगर हुई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बोलेंगे कि कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधा अधूरा छोड़ करके मत जाना। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर है, ज्ञान भरी जानकारी है, शायद ये जानकारी आपको आगे आवश्यक काम आएगी। मैं ये वीडियो देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को बिच्छू डंक मार देता है, तो बिच्छू डंक मारा हो उसे भी दूर करने के लिए दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। खतरनाक से खतरनाक बिच्छू का जो जहर है, जो डंक का जो दर्द होता है, उसे भी ये दूर भगाने में बहुत ही अच्छी सफल दवा मानी गई है। इसका हमने 2 से 3 बार प्रयोग करके देखा है। तो सबसे पहले जानते हैं भैया दालचीनी के बारे में, अर्थात दालचीनी का वनस्पतिक नाम क्या है। तो दोस्तों, दालचीनी का वनस्पतिक नाम है सिनोमेमस वेरम, और ये जो कुल है लोरेसी कुल का ये जो है पौधा मान सकते हैं। इसका सामान्य नाम है दालचीनी है, सिनेमन बोलते हैं और इसे संस्कृत में त्वक बोलते हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग दालचीनी पौधे की छाल का प्रयोग होता है। जैसे हम अर्जुन के पौधे के बारे में बताए हैं तो अर्जुन के पौधे की छाल का प्रयोग होता है, दोस्तों उसी प्रकार दालचीनी की भी छाल का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, बस आप लोगों से इतना निवेदन है कि आप कौन से राज्य से हमारी वीडियो को देख रहे हैं और दालचीनी के बारे में आप भी और कोई औषधि लाभ जानते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप अपना नाम और आप अपने राज्य का नाम जरूर लिखना दोस्तों, मैं आपके कमेंट को जो जल्दी करेंगे उनके कमेंट को पिन करूंगा। तो आइए जानते हैं भैया दालचीनी के फायदे के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, दालचीनी जो है ये आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करती है। जैसे आप दिनचर्या में नॉर्मल जो चाय पीते हैं, तो जो नॉर्मल चाय पीते हैं दोस्तों, उस चाय में 1 से 2 छोटे से टुकड़े दालचीनी के डाल दीजिए, उसमें 1-2 दाने काली मिर्च के डाल दीजिए, और इस प्रकार की चाय को अगर सुबह खाली पेट पीते हैं तो ये आपको ताजगी प्रदान करती है। पूरे दिन दोस्तों आपका जो मन होता है बहुत ही शांत लगने लगता है, हैप्पी हैप्पी टाइप का लगने लगता है, बिल्कुल ही आपको एक अलग प्रकार का सुकून आनंद का अनुभव होना शुरू होता है, जो दालचीनी होती है इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो मौसम बदलने के साथ जो होने वाली बीमारी होती है इससे हम बच जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, दालचीनी में एंटी इंफ्लेमेटरी गुड होते हैं। ये जो है दिल के आसपास की जो धमनी है इसको नुकसान होने से और संक्रमण से बचाती है। दोस्तों, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण जो है ये ऊतक की सूजन को ठीक करने का काम करता है, ये दिल के दौरे को रोकता है। इसलिए दोस्तों, जो लोग दिल के दौरे से परेशान हैं, ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, उपचार के रूप में या फिर सलाहकार के रूप में मैं जो जानकारी बता रहा हूं, ये जो दालचीनी का प्रयोग है, आप ये प्रयोग कर सकते हैं, बस इतना कहना चाहूंगा। चाय के जैसे आप जो है आधा कप की मात्रा में इसका सेवन करें। कैसे करना है, छोटे से टुकड़े को 1 कप पानी में डाल करके उबाल लीजिए, आधा कप जब रह जाए तो इसे थोड़ा सा चूसकी मार के पिए, तो जो दिल के दौरे को काफी हद तक ये रोकने का काम करती हैं। दोस्तों, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि आयुर्वेद में जीवन छुपा है। आयुर्वेद हमारी भारत भूमि की अमूल्य धरोहर है, इसलिए दोस्तों अभी नहीं तो हमें बाद में आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। और जो आयुर्वेदिक दवा भी बता रहा हूं कि इसका प्रयोग जो दिल के दौरे वाले लोग कर सकते हैं, बिल्कुल ही कर सकते हैं, लेकिन एक काम जरूर करना, ये प्रयोग करने से पहले किसी योग्य जो सलाहकार है उनकी सलाह अवश्य ले लेना,
और आयुर्वेद भैया किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करता। आंख मुंद करके भी आयुर्वेद पर विश्वास किया जा सकता है। इसके बाद जो ये दालचीनी है, इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग होता है। दोस्तों, सिर के दर्द को ठीक करने के लिए, सिर के दर्द कैसे ठीक करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन भर कंप्यूटर में काम करते हैं, और दिन भर कंप्यूटर में काम करने कारण, धूप में काम करने कारण उनके सिर में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी प्रकार की, चाहे कोई भी समस्या हो, अधिकापारी का दर्द हो, जिसे हम आधे सिर का दर्द बोलते हैं, या फिर किसी भी प्रकार का सिर का दर्द हो, उस सिर के दर्द को ठीक करने के लिए आप जो है दालचीनी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग कैसे करना है दोस्तों, आपको करना क्या है, जो दालचीनी है, ध्यान से सुनना, दालचीनी है, इसे पीस करके आपको लेप बनाना है। गाढ़ा आपको एक पेस्ट बना लेना है और इस पेस्ट को आपको अपने सिर पर लगाना है, और लगाने के बाद इसे 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए। इसके बाद जो है आप अपन सर धो लीजिए। आप देखना चमत्कारी तरीके से ये आपके सिर के दर्द को ठीक कर देगी। आजमाया हुआ नुस्खा है भैया, इस प्रकार के नुस्खे को आजमा करके देख सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जो अंग्रेजी दवा खाते हैं उससे बेहतर है एक बार ये घरेलू नुस्खा अपना करके देखना, और इसका किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। सिर के दर्द का ये पहला उपाय बताया हूं। अब इसके मैं आप लोगों को दोस्तों जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताता हूं। बहुत सारे लोग बवासीर की बीमारी से परेशान रहते हैं, तो बवासीर की बीमारी की ये रामबाण दवा है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलेंगे, गुरुजी ये जो दाल चीनी है इसकी तासीर गर्म होती है, ये बवासीर की बीमारी को कैसे ठीक करती है। दोस्तों, गर्म गर्म को ही तोड़ने का काम करता है। बवासीर की बीमारी ठीक करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों पे ये दाल चीनी का प्रयोग आजमाया है। दोस्तों, अगर जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो बवासीर से परेशान है, अंदरूनी बवासीर की बीमारी है, बवासीर के दौरान शौच के समय खून निकलता है, तो ऐसे लोग एक काम करना, आप जो है आधा चम्मच की मात्रा में दालचीनी लेना, एक गिलास पानी में डाल करके इसे उबाल लेना, और सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट आधा आधा गिलास आपको पीना है। तो किसी भी प्रकार की जो बवासीर है, जैसे बवासीर में आपके पेट में कब्ज भरा भरा टाइप का लगने लगता है और शौच के दौरान आपके खून निकलता है, ब्लड निकलता है, तो उसे रोकने का काम करते हैं। ये दो प्रयोग हुए। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए, जो आजमाए हुए प्रयोग बता रहा हूं। जैसे किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया है, भगवान ना करे किसी को बिच्छू डंक मारे, लेकिन भविष्य में कभी भी किसी को बिच्छू डंक मार सकता है, और ये समस्या कभी भी बता करके नहीं आती, तो एक काम करना, अगर किसी को बिच्छू डंक मार देता है तो आप थोड़ी सी दालचीनी ले लेना, 2 से 3 उसमें काली मिर्च के दाने डाल करके पीस करके गाढ़ा लेप बना लेना, और जहां पे बिच्छू ने डंक मारा हो वहां पे गाढ़ा लेप लगा लेना। ऊपर से आपको कपड़ा बांध देना है, तो दोस्तों किसी भी प्रकार के बिच्छू ने डंक मारा हो, उस बिच्छू के जहर को ये उतारने का काम करती है। जबरदस्त पावरफुल ये प्रभावी दवा है दोस्तों। बिच्छू के डंक को खत्म करने के लिए, उतारने के लिए ये प्रयोग हम स्वयं आजमा करके देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। बहुत सारी माता बहनें हैं, या फिर आपके घर पर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग होंगे जो कि उम्र ढलने के साथ जोड़ों का दर्द है, इससे बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, तो ऐसे लोगों को बताना चाहूंगा, दालचीनी उनके लिए रामबाण की तरह काम करती है। सरसों के तेल में दालचीनी का गाढ़ा पेस्ट को, और थोड़ा सा उसमें चूना मिलाकर के, सरसों का पहले तो तेल लेना है, उसमें थोड़ी सी पीस करके दालचीनी पाउडर मिलाना है, दालचीनी पाउडर मिलाना है, थोड़ा सा जो खाने का चूना होता है वो डाल देना है, पीस करके गाढ़ा लेप बना लीजिए, और थोड़ी सी आप चाहे तो उसमें हल्दी भी डाल सकते हैं। अब जहां पे जोड़ों में दर्द होता है, जहां पे घुटने में दर्द होता है, वहां पे ये गाढ़ा लेप बांधे तो ये सभी प्रकार के दर्द को खींचने का काम करता है, दर्द को खींचने का काम करता है। एक खास बात और बता दूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चेहरे पर पिंपल्स हैं, मुहांसे हैं, झाइयां, इनसे परेशान रहते हैं, तो प्राकृतिक रूप से अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे में चमक बढ़े, आपके चेहरे में निखार आ जाए, आपके चेहरा खिलने लगे, चेहरे पे किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, झाइयां, झुर्रियां ये दूर हो जाए, और आपके चेहरा चांद के जैसा सुंदर लगे, तो दालचीनी को सुबह या फिर शाम या फिर दिन में किसी भी टाइम या रात में सोने से पहले आप जो है अपने चेहरे पे अवश्य लगाइए, और ये नुस्खा सप्ताह में एक बार करते रहते हैं। दोस्तों, आप देखना आपके चेहरा चांद जैसा सुंदर लगेगा, आपका मुखड़ा बहुत ही सुंदर लगेगा। ये चेहरे के सभी प्रकार के पिंपल्स है, मुहासे, ये सबको ठीक करने का काम करती है, स्किन बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करती है, चेहरे पे ग्लो आता है।
अब आगे जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, दाल चीनी का प्रयोग, जो दाल चीनी है, इसका प्रयोग झड़े हुए बालों को उगाने के लिए भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर के बाल झड़ जाते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा डॉक्टरी दवा करते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो दाल चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। दाल चीनी का जो पाउडर है, इसमें अमर बेल का पाउडर, अमर बेल जिसे हम दोस्तों आकाश लता बोलते हैं, वही अमर बेल आप हमारे वीडियो में देख लीजिए। इस प्रकार की होती है अमर बेल का पाउडर ले लीजिए और दाल चीनी का पाउडर ले लीजिए। इन दोनों को पीस करके गाढ़ा लेप बना लीजिए और आप रात में सोने से पहले अपने सर पे लगाइए और सुबह इसे जो है फ्रेश कर लीजिए, धो लीजिए, तो यह नुस्खा धीरे धीरे काम करेगा लेकिन प्रभावी तरीके से आपके झड़े हुए बालों को यह वापस लाने का काम करता है। धीरे धीरे आपके झड़े हुए बाल आना शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोगों को हमने देखा है दोस्तों, जो कि हमें बार बार कमेंट करते हैं, गुरुजी हमें तेज सिर का दर्द होता है तो क्या करें, क्योंकि दिन भर हम तो दाल चीनी पाउडर को जाकर के नहीं ले जा सकते थे, तो एक काम कर सकते हैं। दाल चीनी का तेल आता है मार्केट में, दाल चीनी के तेल की दो बूंद ही रुमाल में डाल करके सूंघने से सिर के दर्द को ये ठीक करने का काम करता है। दो बूंद इसका तेल रुमाल में डाल करके दोस्तों आप जो है सूंघे तो सभी प्रकार के ये सिर के दर्द को ठीक करने का काम करता है। वैसे दाल चीनी के अनेकों प्रयोग है, जितने प्रयोग हमें पता था सो प्रयोग हमने आप लोगों को बताए हैं। दोस्तों, ये डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने का काम करती है लेकिन भैया डायबिटीज में थोड़ा सा खतरा होता है, इसलिए मैं ये जानकारी को आप सभी लोगों से हाइड कर रहा हूं। बाकी दोस्तों, दाल चीनी के हमने जितने प्रयोग बताए हैं सारे प्रयोग जो है आप आजमा सकते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा प्रभावी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आने वाले समय में दाल चीनी के बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में इसके कम से कम मैं ज्यादा नहीं तो 20 लाभ अवश्य बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। भैया, ये छोटी सी जानकारी किसी के लिए अमृत जैसी हो सकती है, किसी के जीवन में खुशहाली ला सकती है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो दोस्तों मैं जल्द जुड़ता हूं आप सभी से किसी नई और एक अच्छी जानकारी के साथ। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।